आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में प्रेमानंद जी ने आपको बताया है कि धन आदि प्राप्ति के लिए एक अचूक उपाय। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना। कल किसी ने प्रश्न किया था कि मुझे धन चाहिए तो कैसे मुझे धन प्राप्त हो, क्योंकि मेरी पहली इच्छा है कि मुझे धन चाहिए। किसी ने प्रश्न, देखो ये सब बुरी बातें नहीं है, मेरी चाह है, मुझे आवश्यकता है, तो या तो आप चाह पूरी करो, आवश्यकता हटाओ। देखो इसमें हम ठाकुर जी की तरफ ही मतलब मांग की बात करेंगे। जैसे हमें चाह है, किसी ने प्रश्न, हमें बुरा नहीं लगा, हमने तत्काल उत्तर उसका कि आप राधा राधा रटे, राधा नाम रूपी धन संचय करें और आप जो चाहेंगे प्राप्त हो जाएगा पक्का। यदि आपको धन चाहिए और आपकी समस्या धन से ही समाधान होगी ऐसा आपने मान रखा है तो आप राधा राधा रटो, जितना चाहोगे उतना धन मिल जाएगा, जितना चाहोगे पक्का। समझ लीजिए, आप किसी भी समस्या में फंसे हैं, अगर उस समस्या का समाधान चाहते हैं, हमारी श्री लालडी जी का नाम जब करें, अगर समस्या का समाधान न हो जाए तो हमें बताना पक्का। समझ लीजिए, कितनी ऐसी समस्याएं जीवन में आई है जो हमने देखा है श्री राधा नाम का प्रताप। लालडी जी ने ऐसे ही लगा कि अगर इस मिनट में काम न होता तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाता। लालडी जी तत्काल, सच्ची भानी हम बहुत बड़े पावर से जुड़ गए हैं, अलवेली सरकार से जुड़ गए हैं, हमारे अंदर जो भी कामनाएं हो औरों से मत कहना, छुपा के मत रखना, दबा के मत रखना, सब लालडी जी के सामने पेश कर देना। इनमें जो तुम्हें अच्छा लगे सो पूरा कर दो, जो अच्छा न लगे वो हटा दो, जो मनावे सो मिटा दो, लेकिन ये सब है ऐसा। और हम सच्ची कहते हैं यदि राधा नाम का आश्रय ले लोगे, जितना धन चाहोगे उतना धन मिल जाएगा और राधा नाम मूल में जमा होगा। ऐसा नहीं होगा कि मूल खत्म हो गया, मूल तो राधा नाम की कीमत ठाकुर जी भी नहीं दे सकते। ब्याज में तुम्हें में तुम्हारी कामना की पूर्ति हो जाएगी, मूल में धनी राधा नाम के तुम हो जाओगे। खूब नाम जप करो, जो चाहोगे हो जाएगा। और देखो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, जब ही नाम जन आरत भारी और मिटा ही कुसंकट हो सुखाई। श्री ध्रुव जी 5 वर्ष के बालक हैं, भगवान नाम का आश्रय लिया तो ऐसा पद मिला कि आज भी ऋषि जन परिक्रमा करते हैं। सच्ची मानिए, ये जो अपने लोग हैं किस काबिल है, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान नाम का आश्रय लिए हैं। तो आप देख लो, जिसके लिए अपने लोग परेशान होते हैं वो सब परेशानियां एक मिनट में दूर है क्या? अगर हमारे पास राधा नाम धन न हो तो हम लाइन में खड़े रहे घंटों दवा के लिए, और यहाँ डॉक्टर स्वयं आते हैं, स्वयं दवा देते हैं, यहाँ का स्वयं व्यवस्था, स्वयं दूध मिलता है, फल मिलता है, सब कैसे मिल रहा है? केवल ठाकुर जी के आश्रित अर्थ मिल रहा, जो आवश्यकता है ठाकुर जी दे रहे हैं उनके नाम का। सच्ची मानिए, आप नाम जप कीजिए, जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। सच्ची मानिए, आप नाम आश्रित हो जाइए। आप हम ये नहीं कि 5 दिन जपाओ देखो चेक आएगी, नहीं ऐसे मत करो, थोड़ा लंबा समय तक नाम जप करो और फिर देखो आप कि कैसे विधान ठाकुर बनाता है कि आपकी जितनी कामनाएं हैं वो सब पूर्ण होती चली जाएंगी। जो कामनाएं आपको फंसाने वाली है, नष्ट करने वाली, वो कामनाएं नष्ट हो जाएंगी। आप देखिए तो, जप के तो देखिए, हम ये हृदय की बात कहते हैं। धन चाहिए, हाँ चाहिए मुझे भाई, मेरे को बेटी का ब्याह करना है, बेटे का ब्याह कर, समस्या का समाधान करना है, मुझे तुम्हारी कृपा का इस समय स्वरूप चाहिए धन पक्का। हमारे ठाकुर महाधनी है, कोई कमजोर थोड़ी भी यार, तो हमारे ठाकुर को धन मांगोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बेचारा गरीब हो जाए। महालक्ष्मी सहलाती रहती है चरणों को, देखता भी नहीं, अनंत शक्तियां है। मांगो, आपको जो लगता है जैसा लगता है मेरे प्रभु से खुल के रहिए, छुपाइए मत, किसी और की तरफ मत झांकिए। लालडी जू का दूल्हा इतना समर्थ है कि तुम्हारी ये बातें जब पूर्ण हो जाएगी अपने आप। ऐसा दूल्हा है ये राधावर, ऐसा थोड़ी है, अनंत शक्तियां इसके चरणों में लौटती रहती है और लाडली जी के चरणों में ये प्रणति होते रहते हैं। रस घन मोहन मूर्ति विचित्र केली महोत्सव लसितम राधा चरण विलोडित। इसलिए हम बहुत बड़ी सत्ता से जुड़ गए, घबराने की जरूरत नहीं। हमारी जितनी कामना हो वो हम सब लाडली जी के सामने, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कामना, धीरे धीरे आप देखोगे आप इतनी ऊंचाई पे चढ़ जाओगे कि कोई कामना आपको परास्त नहीं कर सकती। और एक दिन वो सामर्थ्य आ जाएगी, आप लाडली जू की कामनाएं पूर्ण करने वाले बन जाओगे। देखो हमारे वृंदावन के जो रसिक जन है ना, सहचरी भावापन, लाडली जू से मांगते थोड़ी है, लाडली जू को देते हैं। लाडली जू थारू अभी चल रहो जो सुहाग,
आठों पैर उनको दुलार करते, लेकिन वो स्थिति हमें प्राप्त नहीं है। बात समझिए, हमें चाहिए लोक व्यवहार, तो हम लाडली जी से जुड़े, लाडली जी से मांगे, एक दिन लाडली जी की कृपा को और हमको ऐसी स्थिति प्रदान कर देगी, ऐसे रसिकों के संग से जुड़ा देगी कि हमारी स्थिति में लाडली जी को सुख पहुंचाने की भावना आ जाएगी। आप जुड़िए और चमत्कार देखिए हमारे शिष्य, अनुभव की बात कह रहा हूं, राधा नाम महामहिमा में चमत्कार है, आप प्रयोग करके देख लेना, आपको बिल्कुल आप विश्वास कर लीजिए, पक्का विश्वास कर लीजिए, छाती की बात, सैकड़ों देखे राधा नाम के चमत्कार, भारी से भारी विपत्ति राधा पुकारते ही बिल्कुल ऐसा दिखाई दिया चमत्कार, गाड़ी पलटने को है एकदम वो डिवाइडर क्या कहते हैं उसमें चढ़ गई एकदम रात्रि का समय, राधे श्याम, वही बंद गाड़ी वही खड़ी है ऐसे, अगर एक सेकंड चूक जाए पीछे से गाड़ी है सब चटनी हो जाए, हम लोग भी बैठे थे ये भी साथ थे, आगे मोटरसाइकिल बिल्कुल पैर में चढ़ने को राधा उठ, बंद मोटरसाइकिल है, कितने से चमत्कार में, और क्या आज हम जीवित हैं बोल रहे हैं तो इसी चमत्कार से बोल रहे हैं इसलिए राधा राधा राधा, जो चाहिए आपको विश्वास मान लीजिए, ये ऐसा धंधा है कि इसमें घाटा नाम की तो वस्तु है नहीं, मुनाफा ही मुनाफा है, इसमें मूल जाएगा नहीं, मूल अविनाशी। हम बोले राधा 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 राधा, ये तो जमा ठाकुर की बैंक में, इसे कोई भी पाप कोई भी अपराध नष्ट नहीं कर सकता। हाँ, अगर भयंकर अपराध बन जाता है तो राधा राधा नाम बोलने की योग्यता हटा दी जाएगी, लेकिन ये जो राधा नाम बोल चुके इसका नाश नहीं हो सकता, ये तुम्हें ऐसी जगह से बचाएगा जहां कोई रक्षा करने वाला नहीं, और आप जो चाहोगे वो मिल जाएगा, विश्वास करो जो चाहोगे, ये लोक की वस्तुएं क्या है, आप सोचो राधा नाम से कौन सा सुख मिलता है। सुबह जब सत्संग प्रारंभ हुआ तो था कि ब्रह्मा जी आवे और कहे कि चलो हमारे ब्रह्मलोक में तुम्हें ब्रह्मा का पद देते हैं, तो वृंदावन के वासी राधा उपासी को ब्रह्मलोक पद अच्छा नहीं लगता, वैकुंठनाथ नारायण आवे और कहे चलो हम अपना पार्षद रूप तुम्हें देते वैकुंठ में आनंद लो चल के, तो वृंदावन वासी कहता है कि मुझे वृंदावन की नाली का कीड़ा बनना स्वीकार, लेकिन वैकुंठ में नारायण रूप होकर के नहीं, वैकुंठ में ब्रह्मलोक में परमेष्ठी पद ब्रह्म रूप होकर के नहीं। आप जरा विचार करिए, ठाकुर के धाम में नाम में कितनी बड़ी सामर्थ्य, ठाकुराए तो ठाकुर को अधीन किए हुए, ठाकुर के ठाकुर हमारी लाडली जी महाराज है, इसलिए ठसक में रहो, सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाले लालजू की जहां कामनाएं पूर्ण होती वो दरबार हमारी लाडली जी का है, मांगत लाल लाडिलो नागर प्रगट भई दिन दिन की चोरी, दान देरी नवल की हत्यर्पितम मधुपते स्मर ताप मुग्रम निर्वापेति परम शीतल मास श्रेयामी, लालजू के हृदय में जब श्री लाडली जू के चरण का स्पर्श होता है तो स्मर ताप का समन करके परम शीतलता प्रदान करने वाले श्री स्वामिनी जू के चरण अरविंद है, हमारे दैहिक दैविक भौतिक तापों से बहुत काल से हृदय जल रहा है, तो हम क्यों न शीतलता प्राप्त करने के लिए लाडली जू के चरणों का आश्रय, राधा नाम चेक है चाहे जहां बजा लेना, राधा नाम चेक, राधा राधा रटो और श्री जी से मन चाही वस्तु प्राप्त करो, पक्की बात कह रहा हूं पक्की, अश्रद्धा मत करना इस बात पे, और अश्रद्धा करके भी जप ले तो भी तुम्हारा काम बन जाएगा, भाव कु भाव अलग हालसो नाम जपत मंगल दिशि दशो। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को प्लीज़ क्लिक कर देना ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।